ग्राम पंचायत क्षेत्र वैरिडी मिशन 2021 प्रधान पद हेतु शिक्षित योग्य एवं संघर्षशील प्रत्याशी मिर्जा तारिक बेग। उत्तर प्रदेश गोंडा में पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। गोंडा दबंगों ने जमीनी विवाद में अनुसूचित जाति के पूरे परिवार को फरसा लाठी डंडों में मारपीट कर किया लहूलुहान। दो महिला जिला चिकित्सालय में भर्ती। आपको बता दें, पीड़िता ने कई बार नगर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर नगर कोतवाली द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज सुबह सुबह दबंगों ने लाठी राड और फरसो लेकर पीड़ित के घर घुसकर पूरे परिवार को मारपीट कर किया लहूलुहान। आपको बता दें, जनपद गोंडा से हमिद अली की रिपोर्ट। जिला चिकित्सालय में डॉक्टरी कराने आए हैं। क्या मामला है? मामला जमीन कब्जा करने लगे सुबह। कौन कब्जा कर रहा? संतराम, सरजू प्रसाद, चिंटू, मिंटू, छोटू, अंकिता और सभी लोग घर पे, उनके पूरे परिवार को हमारे मारने पीटने लगे। किस चीज़ से मारने पीटने लगे? लाठी डंडा से। और उसके बाद में जब हम पहुँचे, फरसा। क्यों मारने लगे आपको? जमीन को कब्जा कर रहे थे, उसको हमने रोका कि हमारी जमीन को कब्जा क्यों कर रहे हैं, जो हमारा विवाद चल रहा है। विवाद का ऐसे जबानी चल रहा है कि अनिवार्य? कागजी चल रहा है। नहीं, इसका प्रार्थना पत्र हम कई बार दे चुके हैं कि हमारा जमीन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा उसको कोई अनदेखी कर दिया गया। किस गांव का मामला है? जयनगर खैरा, थाना कोतवाली नगर। तो इससे संबंध में आपने मतलब यहां पे थाने पे तहरीर दर्ज दिया है नगर कोतवाली में? आज की जो घटना है, इसका तहरीर हमने दिया है, और पहले भी तहरीर हम कई कई अप्लीकेशन दे चुके हैं कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला होने वाला है। मतलब कई बार आपके साथ घटना घट चुकी है कि पहली बार? लेकिन कई बार घटना घट चुकी है, लेकिन प्रशासन उसको अनदेखी कर देता है। अभी कितने लोग हैं इसमें घायल हैं, जिनके मेडिकल हुआ यहाँ पे? कितने लोग हैं? तीन लोगों का सिर्फ मेडिकल हुआ और बाकी और किसी का मेडिकल अभी नहीं। कोई भर्ती भी इसमें? दो महिलाएं भर्ती हैं।